नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोग देश के दुश्मन हैं, कुछ लोग पंजाबी हैं लेकिन पंजाब के दुश्मन हैं। इनमें एक नाम है प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस को लीड करने वाले नामित आतंकवादी गुरुपंत वंत सिंह का। इन्हीं आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह का वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने पंजाब के लोगों को तिरंगा जलाने और स्वतंत्रता दिवस पर खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए उकसाने की कोशिश की है। एक बात बताइए, आप पंजाब में रहते हैं, आप देश में रहते हैं, तो आपको देश के राष्ट्रीय ध्वज से क्या प्रॉब्लम है? और आप अपने ही प्रदेश के लोगों के लिए क्यों मुसीबतें पैदा कर रहे हैं? बड़ी अजीब बात है कि इस तरीके के अलगाववादी वीडियो आप शेयर करते हैं, लोगों को उकसाते हैं। एक और बात, शिरोमणी अकाली दल के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान ने हर घर तिरंगा अभियान का बहिष्कार करने का आह्वान कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा यानी कि हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा, ये अभी से शुरुआत हो चुकी है, इस अभियान की शुरुआत की थी। इसमें उन्होंने लोगों से ये अपील की थी कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और देशवासी अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं। ऐसे में इस अभियान का सिमरनजीत सिंह मान ने बहिष्कार करने का आह्वान किया है। क्या मतलब है? क्यों वो अपने ही देश के लोगों के दुश्मन बने हुए हैं? क्यों वो अपने ही पंजाब के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि सिमरनजीत सिंह मान संगरूर से सांसद हैं। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के विरोध में कहा है कि मैं अपील करता हूँ कि 14-15 अगस्त को अपने घरों और दफ्तरों में निशान साहब को लगाया जाए। अब कोई इनसे ये पूछे कि निशान साहब जो है वो गुरुद्वारों में लगाया जाता है ना कि घरों में उसको फहराया जाता है, वो कोई फहराने की चीज़ नहीं है, वो एक अलग भाव का झंडा है जिसे निशान साहब कहा जाता है, जो हर गुरुद्वारे में लगाया जाता है। उस गुरुद्वारे को, उस झंडे को आप किसी भी गुरुद्वारे में लगाएं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप उसको घरों में लगाने की इजाज़त दे रहे हैं, जहाँ आप अपने संदेश के जरिए लोगों को ये कह रहे हैं कि आप निशान साहब अपने घर में लगाएं, ऑफिसेज में लगाएं, तो इसका मतलब ये है कि सिमरनजीत सिंह मान को अपनी सिक्खी की मर्यादा का भी पता नहीं है। केवल और केवल उन्हें अलगवादी बयान देने से मतलब है। दीप सिंह सिद्धू, जो अब हमारे बीच नहीं है, कहते थे कि सिख आज़ाद है और एक अलग समुदाय का हिस्सा है, और अलगाववादी नेता सिमरनजीत सिंह मान ने भारतीय सेना को दुश्मनों की सेना भी कहा है। देखिए किस तरीके के ये लोग बयान दे रहे हैं। इसके अलावा प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस को लीड करने वाले नामित आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पुन्नू का जो वीडियो सामने आया है उसमें उन्होंने लोगों को तिरंगे का अपमान करने का आह्वान किया है, मतलब जलाने का आह्वान किया है। उनकी मानसिकता को क्या हो गया है? स्वतंत्रता दिवस पे खालिस्तानी झंडा फहराने का क्या मतलब है? मैं आपको बता दूं कि भाजपा नेता विनीत जोशी ने गुरु पतवंत सिंह पन्नू को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि लोगों ने खालिस्तान को पारिस कर दिया है, और ये बिल्कुल सच है। जो पंजाब को प्यार करते हैं, जो देश को प्यार करते हैं, उन सबों ने खालिस्तान को खारिज कर दिया है और कड़ी मेहनत से मिली शांति के मूल्य को अब जाकर के समझा है। और जोशी ने भी कहा है कि गुरु पतवंत सिंह पुन्नू ISI की धुन पे नाच रहा है और अपने देश में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हैं कौन जो इस तरीके के अलगाववाद के बयान दे रहे हैं। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे जिसमें श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान ने जीत दर्ज की है।
ना जाने उनको किन लोगों ने वोट दे करके जिताया है, अब वही लोग भुगतेंगे। खैर, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह को उन्होंने करीब 5,822 मतों के अंतर से हराया और सिमरनजीत सिंह मान को जरनैल सिंह भिंडरांवाले की विचारधारा का समर्थक माना जाता है। तो ये वो लोग हैं जो पंजाब के लोगों को भड़का रहे हैं, ये वो लोग हैं, ये वो मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के लोगों को भड़का रहे हैं, देश में अलगाववादी मैसेज दे रहे हैं। इन सब अलगाववादी जो संदेश है उनका कम से कम जो पंजाब का यूथ है उसको खुल करके विरोध करना चाहिए। आप क्या कहते हैं मेरे कंटेंट में दोस्तों? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो अलगाववादी बयान आते हैं और ठीक आज़ादी के कुछ दिन पहले आते हैं, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का अभियान चलाए हुए हैं, दूसरी तरफ ये सिरफिरे लोग कह रहे हैं कि हम तिरंगे को जलाएंगे और निशान साहब फहराएंगे। क्या मतलब है? आप क्या कहते हैं इस कंटेंट पे? मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और एक बात और, अगर आप पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।